डॉक्टर राजीव रंजन पेडियाट्रिशियन नोएडा, आई एम एसोसिएटेड विथ मदरहुड हॉस्पिटल नोएडा। दोस्तों, ये नन्हे कदम जो दस्तक दे रहे हैं, ये नन्हे कदम जो दस्तक दे रहे हैं, एक कदम ही आपके घर की खुशियां हैं, एक कदम ही आपके घर की खुशियां हैं। तो मैं उन तमाम छोटे बच्चों की माँ से ये टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ कि किन कंडीशंस में आपको अपने पेडियाट्रिशियन से एमरजेंसी में मिलना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपका बच्चा लेथार्जिक है, अगर आपको अपना बच्चा सुस्त में सुस हो रहा है, तो आपको अपने पेडियाट्रिशियन से तुरंत मिलना चाहिए। ये किसी इन्फेक्शन के साइन हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, अगर बच्चा रिफ्यूजल ऑफ फीड करता है, दूध अगर नहीं पी रहा है, जो कि उनका सर्वोत्तम फूड है, वही एक भोजन है जिस पे वो आधारित है, तो आपको अपने पेडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए, जानना चाहिए क्या वजह है आपका बच्चा दूध नहीं पी रहा है। अगर आपके बच्चे ने 24 घंटे या 12 घंटे में एक बार भी यूरिन पास नहीं किया है, या उसके यूरिन पास करने के नंबर्स बहुत कम हैं, ये भी डिहाइड्रेशन की तरफ जा सकता है बच्चा, तो आपको अपने पेडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए। चौथा पॉइंट है, अगर किसी वजह से आपके बच्चे को बुखार हो जाता है, तो एक अगेन इन्फेक्शन के साइन होते हैं। और बच्चे को बुखार होना, 12 सप्ताह के बच्चे से छोटे बच्चों को अगर बुखार होता है, तो हमें तुरंत अपने चिकित्सक को दिखाना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि अगर हमारे बच्चे को डीप येलो कलर हो जाए, डीप येलो कलर यानी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो बोलते हैं, तो हमें अपने पेडियाट्रिशियन से मिलके उस जॉन्डिस का लेवल पता करना चाहिए। इसमें हम सेरम बिलिरुबिन के लेवल्स देखते हैं और उसके आधार पर तय करते हैं कि बच्चे को फोटोथेरेपी देना है या नहीं देना है। यह बाद में काफ़ी गंभीर रूप ले सकता है, इसलिए शुरू में जो है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, उसी दौरान हमें इनको सॉल्व कर लेना चाहिए। इसके अलावा हमारे बच्चे को ये भी देखना चाहिए कि कुछ ऐसी कंडीशंस तो नहीं है जो आपको काफ़ी एबनॉर्मल लग रही है, तो इसकी डाउट आप अपने डॉक्टर से मिल करके दूर कर सकते हैं। ये तमाम 5 पॉइंट्स हैं जो कि इमरजेंसी लेना चाहिए। इसके अलावा बहुत ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आप रुक करके डिस्कस कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जल्दी तो नहीं करनी है, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। जैसे कि उसमें पहला आता है, अगर आपके बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, शायद पूरा फीड नहीं दे पा रहे हैं या फीड देने के तरीके सही नहीं है, तो इसमें हमें अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दूसरा, अगर पूरे 24 घंटे में आपके बच्चे का यूरिन कम पास हो रहा है, ये भी एक डिस्कस करने की चीज़ है। इसके बाद होता है ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें लैचिंग, पोजिशनिंग, लैक्टेशन कितना हो रहा है, दूध कितना पिलाना है, कितने मिनट पिलाना चाहिए, ये सब एक विस्तृत टॉपिक है। हमने ब्रेस्ट फीडिंग के टॉपिक में बहुत सारी चीज़ डिस्कस की हुई है, आप उन YouTube चैनल पे मेरे जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा एक कॉलिक बहुत बड़ी समस्या होती है, कॉलिक इशू सबसे सामान्यतर हर बच्चे को होती है, कॉलिक की भी एक वीडियो है, वो आप चेक कर सकते हैं। कॉलिक के अलावा हमारे बच्चे को ये देखना होता है कि फैक्ट्स वर्सेस मीथ, बहुत सारी सलाहें हमारे बच्चों को दी जाती है जो सही भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं, जैसे काजल नहीं लगाना चाहिए, बच्चे को मसाज करें कि ना करें, चेहरे पे बच्चे के दाने हो जाते हैं, बच्चे कितनी बार पॉटी करे, कितनी बार पॉटी नॉर्मल है, पॉटी का कलर कैसा नॉर्मल है, ये विभिन्न टॉपिक पे आप अपने डॉक्टर से मिलके सलाह लेके अपने बच्चे की हेल्दी चीज़ों को डिस्कस करके आगे बढ़ सकते हैं। हमारे वीडियोस तमाम समस्याओं को सॉल्व कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मेरे YouTube चैनल निदान मदर एंड चाइल्ड केयर डॉक्टर राजीव रंजन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू।